बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ना व्यूवर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। चलें आपके साथ एक जल्दी जल्दी एक रेसिपी शेयर करती हूँ, वाइट चिकन कढ़ाई, जिसके लिए मुझे मेरे पास है थोड़ी सी क्रश हुई काली मिर्च है, नमक है, अदरक और लहसुन का जो है ना चॉप हुआ हुआ है, और मेरे पास 1 kg जो है ना चिकन है, 1/2 लीटर मेरे पास दूध है और 1 क्रीम है, और मैंने पैन को प्री हीट करने के लिए रख दिया हुआ है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है। सबसे पहले इसके अंदर जाता है नमक, लहसुन और अदरक का जो है ना मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, फाइन चॉप किया हुआ था, वो इसके अंदर गया। अब हम इसको हल्का हल्का सा ना हिला लेते हैं, तो लाइट सा हमने सिर्फ कलर को टच देना है, बिल्कुल थोड़ा सा लाइट सा ये ब्राउन हो जाए। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमारा फाइन, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया हुआ था। अब हमने इसके अंदर चिकन डाल दिया, थोड़ा सा चिकन को हिलाते हैं। चिकन हमारा बड़े अच्छे से फ्राई हो चुका है, चिकन को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं किया क्योंकि हमने इसके अंदर दूध भी डालना है। हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, इसको थोड़े से छोटे कर लेते हैं, ज़्यादा इसको नहीं फ्राई करना। हरी मिर्चें हमारी जो है ना अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इसके अंदर डालते हैं मिल्क। ये आम मिल्क है, घर वाला मिल्क जो गाय देती है, दूध वाला दे के जाता है। आप चाहें तो आप बाज़ार वाला दूध भी डाल सकते हैं। चलिए जी, हमने दूध इसके अंदर डाल दिया है, इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। चिकन को बॉयल आ रहे हैं, तो अब हम खोलते हैं इसको। ये देखें जी, अब हम सारे मिल्क को कर लेते हैं खुश्क, ड्राई कर लेते हैं, इसको पकने देते हैं। देखें इसमें जो दूध हमने शामिल किया था ना, वो सारा ड्राई हो गया है, ऑयल हमारा ऊपर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये रेडी है। अब हम इसमें के अंदर जो है ना क्रीम ऐड करते हैं। 1 पैकेट क्रीम का है, 1 kg मेरे पास थी चिकन का बोनलेस गोश्त था, और मैंने 1/2 लीटर जो है ना इसके अंदर दूध ऐड किया है। देखें जी, चिकन वाइट चिकन कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। आप देख रहे हैं कि आलू हमारा ऊपर आ गया, थोड़ी सी हम ऊपर गार्निशिंग के लिए चॉप्ड ग्रीन हरी मिर्च डाल रहे हैं। जी नाजरीन, यहाँ पे हमारी चिकन वाइट कढ़ाई बिल्कुल बन के रेडी है। सारे स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। कांडी, आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। फिर नेक्स्ट किसी मज़ीद वीडियो के साथ मिलते हैं।